द इकोनॉमिक टाइम्स काउंट्स न्यूलैंड एज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया। द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूलैंड को भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्रांडों में से एक मानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपने दोस्तों टीजर पर पढ़ा होगा, ये भाई जो न्यूलैंड का ट्रैक्टर है पूरे भारत में दोस्तों और यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो है दोस्तों। आपको ये ट्रैक्टर अभी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में, और ना ही आपको दोस्तों इसकी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी। दरअसल दोस्तों 3-4 दिन पहले भाई मैं नोएडा गया था न्यूलैंड के प्लांट में, और वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था और इसकी वीडियो वहाँ पे शूट की थी। अब जो गंगो की एजेंसी है दोस्तों, गंगो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में, और जो स्टेट है भाई वो है उत्तर प्रदेश। वहाँ के जो डीलर हैं गंगो के, उन्होंने ये ट्रैक्टर जो है सबसे पहले बिल करवाया और उनकी एजेंसी पे भाई ये ट्रैक्टर आ चुका है, और यहाँ पे अब इसकी दोबारा वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों वहाँ पे जो है ना थोड़ा जल्दी में वीडियो शूट हुई थी। ये न्यूलैंड का दोस्तों कंटिन्यू मॉडल है, इसके अंदर जो है कंपनी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, वो बदलाव दोस्तों आपको बताऊँगा, और साथ में दोस्तों इस ट्रैक्टर का आपको पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसके सभी फीचर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए आपको बताऊं, ट्रैक्टर जो है दोस्तों ये है न्यूलैंड 3600-2 TX सुपर। इसमें दोस्तों काफ़ी मॉडल आए हैं, मतलब 3600-2 जो है ऑलराउंडर प्लस भी आता है, 3600-2 है जो है TX भी आवे, और एक्सल सीरीज में भी आवे। एक्सल सीरीज का जो ट्रैक्टर है दोस्तों वो भी प्लांट में खड़ा था, आपको उसकी फुटेज जो है दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये एक्सल सीरीज में है। और ये दोस्तों जो है ये है TX सुपर के नाम से, 50 HP कैटेगरी की बैजिंग हो रही है यहाँ पे भाई। सबसे पहले भाई जो है इसके इंजन के बारे में बात करते हैं, आपको इसके इंजन का पूरा टेक्निकल डेटा बताता हूँ दोस्तों। इसके अंदर आपको 104 mm के बोर के साथ और 115 mm के स्ट्रोक के साथ 2931 cc का 3-cylinder 4-stroke वाटर कूल्ड नेचुरली एस्पिरेटेड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन मिलागा, जो कि अपनी पूरी पावर 49.5 HP की 2100 RPM पे जनरेट करेगा, और अपना पूरा पीक टॉर्क जो है 205 Nm का वो 1300 RPM पे जनरेट करेगा। अगर इसके एयर क्लीनर की बात करें तो भाई इसमें एयर क्लीनर जो है आपको वैट मिलता है ऑयल वाला। अब जो है आपको थोड़ा सा इसका जो है बोनेट खोल के दिखाता हूँ। इसमें भाई एक फीचर्स ऐसा है, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जो 3600 की थी उसमें इवेक्को इंजन था, 3600 जो है इवेक्को के साथ भी आवे और सिम्पसन के साथ भी आवे। इसके अंदर जो इंजन है भाई ये है इवेक्को, जो न्यूलैंड का अपना इंजन है। और अगर इसके FIP की बात करें तो ये जो है ट्रैक्टर इनलाइन पंप के साथ में है, बोस का इनलाइन पंप आपको इसके अंदर मिलेगा, बोस का ही फ्यूल फीड पंप मिलेगा, और बोस का ही जो है आपको इसमें गवर्नर मिलेगा, और बोस के ही फ्यूल इंजेक्टर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। फिल्टर जो है ये न्यूलैंड के खुद के मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, ज़्यादातर कंपनियों के अंदर बोस के ही फिल्टर आते हैं जो भी आप ट्रैक्टर देखते हो। इसका पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है दोस्तों ये अलग है, कुछ ट्रैक्टरों में जो है कंबाइन है भाई, लेकिन इसमें अलग है। लेकिन अलग होने के साथ साथ इसका जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है ये साथ में जो है भाई ठंडा भी होता रहे, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर जो है कूलर लगा रखा, ये देख सकते हो आप, ये ऑयल कूलर है भाई, ताकि मतलब पावर स्टीयरिंग की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़ाई जा सके। बैटरी जो है भाई फ्रंट पर रखी है आप देख सकते हो, और इसका जो रेडिएटर है भाई ये एलुमिनियम का है, और इसकी जो कूलेंट की कैपेसिटी है टोटल वो है 10 L 800 ml, 11 के आसपास ही मान लो आप। आमतौर पे इस सेगमेंट के ट्रैक्टर के जो रेडिएटर है उनकी कूलेंट की कैपेसिटी दोस्तों 8.5-9.5 ऐसी रहती है, तो जितना ज़्यादा कूलेंट होगा एक लिमिट तक तो उतना ही ट्रैक्टर के लिए जो है भाई अच्छा रहता है। अब बात करते हैं भाई इसके टायरों की। फ्रंट टायर जो है इसमें दोस्तों पहला ट्रैक्टर जैसा आया है प्लांट से चल गए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं CH के टायर है भाई इसमें, और 7/50/16 का साइज है फ्रंट टायर का। रियर टायर जो है दोस्तों इसमें आपको 14/9/28 के मिलते हैं, और भाई साथ में आपको जो है कंपनी की तरफ से ये भी अपना है CNH केज न्यूलैंड का वेट है, और वजन कितना है दोस्तों ये देखिए 32 किलो वजन एक साइड में आपको मिलता है, टोटल 64 किलो वजन आपको कंपनी की तरफ से इसमें मिलागा भाई। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट एक्सल की। फ्रंट एक्सल आप देख सकते हो भाई ये जो है टेलीस्कोपिक है, एडजस्टेबल, और फ्रंट में जो है कंपनी की तरफ से आपको भाई बम्पर भी मिलता है, काफ़ी भारी
भरकम बम्फर है दोस्तों, ये लगभग अंदाजा है दोस्तों 55-60 किलो वजन इसमें भाई होगा। और अगर मतलब आपको इस पर कभी दोस्तों मानो हैवी लोड में आप चलाना चाहते हो ड्राफ्ट के लोड में, तो आपको क्या करना है, बम्फर हटा गए यहाँ से, ये जो है दो बोल्ट खुल जाएंगे यहाँ से, और इसे हटा गए यहाँ से भाई, यहाँ पे आप वेट स्टैक लगा के जेरिकैन वेट भी ट्रैक्टर पे लगा सकते हो, जो कि इस सेगमेंट के ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगा देखने को कहीं भी, उन पे जेरिकैन वेट लगने की सुविधा नहीं रहती भाई। और पावर स्टीयरिंग जो है भाई इसका, ये देखो सिंगल एक्टिंग दिया है कंपनी ने, और ऑयल मैंने आपको बता दिया, ऑयल जो है पावर स्टीयरिंग का अलग है, और साथ में जो है ऑयल कूलर भी लगा है स्पेशल पावर स्टीयरिंग के लिए। ये फीचर्स तो भाई आपको इंडिया में किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो भाई इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 60 लीटर का, और ये देख सकते हो दोस्तों ये जो है भाई मेटल में नहीं है, ये भाई फाइबर का है, जो कि बहुत अच्छा रहता है, इसमें जंग वंग लगने की जो है वो समस्या कोई रहती नहीं। अब बात करते हैं भाई इसकी जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी जो है भाई 1800 केजी की है, 18 क्विंटल तक का वजन आप इस पर उठा सकते हो। और अगर इसकी फाइनल ड्राइव की बात करें तो इसमें आपको जो है भाई EPI रिडक्शन मिलती है, एपिक साइक्लिक रिडक्शन, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब ये भाई ज़्यादा झटके झेलने में सक्षम रहती है, ये तो भाई होनी चाहिए। और इसके अंदर दोस्तों आपको दो DCV भी मिलते हैं, ये आप देख सकते हो भाई। और दोस्तों ये जो है स्वे बार जो है मतलब साइड की, ये भाई देखो आप टेलीस्कोपिक है, मतलब ये मान लो 10 सेकंड से भी कम टाइम में आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। और ये रही दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन प्लेट, ये देखो आप 8/2022 की मैन्युफैक्चरिंग है ट्रैक्टर की, 3600-2A1 मॉडल है ये जो कोड है ट्रैक्टर का। मैक्सिमम PTO पावर है भाई 46 और 39.5 HP का इसमें आपको इंजन मिलता है, और जो परमिसिबल मास है ट्रैक्टर का वो है 30 क्विंटल 35 किलो तक आप इस ट्रैक्टर को जो है भाई ब्लास्ट कर सकते हो। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सबसे मेन चीज़ की, जो बदलाव कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर किया है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये ट्रैक्टर जो है भाई, पहले मैं आपको बता दूँ, पहले ट्रैक्टर ये जो है मतलब 8+2 के ट्रांसमिशन के साथ आता था, और एक मॉडल आता था इसमें भाई 8+8 का, मतलब सिंक्रो शटल के साथ में। लेकिन अब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 16+4 का गियर बॉक्स मिलेगा, ये यहाँ पे जो है कंपनी ने बैजिंग कर रखी, 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर, मतलब कि ये T20 बना दिया, T20 भी आप इसे बोल सकते हो, और भाई जो है आप इसे स्प्लिटर भी बोल सकते हो। ये उसका लीवर है यहाँ पे सबसे पीछे ही T20 का। ये देखो भाई जब आप इस साइड में देखोगे सीट पर बैठ कर, तो आपको एक अलग ही फील आओगी, वो इसलिए कि यहाँ पे जो है देखो 3 लीवर है, ये है लो हाई का, और ये हो गया आपका डबल क्लच, और ये जो है भाई आपका एक तरफ खरगोश है और एक तरफ जो है भाई इसमें ये देखिए कछुआ है, खरगोश और कछुआ, तो ये स्प्लिटर गियर है इसका। तो अब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको टोटल जो है 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिलेंगे, और इसका जो ट्रांसमिशन है वो कॉन्स्टेंट मेस है और AFD बोलते हैं इसे न्यूलैंड वाले। और ये दोस्तों जो है लीवर है आपका DCV का यहाँ पे, और DCPC लीवर यहाँ पर है, और लिफ्टोमेटिक भी आपको भाई इसके अंदर मिलेगा, ये रहा यहाँ पे। बात ये है कि कुल मिला के इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस ट्रैक्टर के अंदर, मतलब जो एक किसान को ज़रूरत होती है वो आपको सभी चीज़ें इसके अंदर मिलेगी। ये देखो आप, ये तो है इधरली साइड में, बिल्कुल पीछे तो रहेगा, ये यहाँ पर मैंसन है, मतलब ये यहाँ पर मिलेगा आपको दोस्तों मल्टी स्पीड ग्राउंड स्पीड PTO, और यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर 540 इकोनॉमी, और यहाँ पे जो है 540 लाइव PTO। जितनी भी भारत में ट्रैक्टरों के अंदर PTO आवे ना, वो सारी इसके अंदर आपको मिलती है। ये दोस्तों जैसा कि आपको एक चीज़ बताऊं, ब्रांडेड ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, CNHK इज न्यूलैंड, और इसका जो कंपटीशन है भाई वो ज़्यादातर ये मानो जॉन डियर से है, तो जॉन डियर में भाई आपको इतनी तरह की PTO नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी कमी है जॉन डियर ट्रैक्टर में। तो ये इसका लीवर है भाई, ये चीज़ जो है दोस्तों बहुत ज़रूरी है भाई, इकोनॉमी PTO भी होना चाहिए और मल्टी स्पीड ग्राउंड स्पीड PTO होना चाहिए ट्रैक्टर में। अब बात करते हैं भाई ट्रैक्टर के जो है डायमेंशन की, और उसके बाद में जो है आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा भाई। अगर ट्रैक्टर की भाई लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है 3610 mm है, और ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है भाई वो है 2040 mm का। टोटल जो वजन है ट्रैक्टर का दोस्तों वो है 19 क्विंटल 45 किलो, ये वजन जो है दोस्तों 1945 ये है भाई अनबैलेंस्ड,
मतलब बिना ब्लास्ट के वेट है ये 19 कुंटल 45 किलो। इसमें से आप ये बम्पर हटा लो और ये जो है पिछले टायरों में वेट लग रहे ये हटा लो, और इन लगने के बाद में ट्रैक्टर का वजन है भाई 21 कुंटल 45 किलो। अगर दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई जो है आस्किंग प्राइस होते हैं दोस्तों, इसका जो आस्किंग प्राइस है वो है 7,95,000 रुपये। और भाई ये जो है न्यू लैंड की एजेंसी है अंबा ट्रेडर्स, ये भाई जो है गंगो में है 99 रोड पे। और अगर आपको इस ट्रैक्टर के बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी तो नंबर जो है आपको दिख रहे होंगे, इन नंबर पर आप कॉल करके भाई और ट्रैक्टर के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। और दोस्तों वो लोग वीडियो जो है मतलब प्लांट की, जैसे घर से गए थे और वापस आए थे वो वीडियो, और होशियारपुर प्लांट की जो सोनालिका के प्लांट में गए थे, जल्द आने वाली है दोस्तों। और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।